पश्चिम बंगाल बंद के दौरान कई जगह हुआ बवाल। कुछ इलाकों में तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। राजधानी कोलकाता से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों तक बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान बवाल की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में लगातार दूसरे दिन बड़े प्रोटेस्ट ने ममता सरकार को हिला दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव हो गया। बीजेपी के बंद के खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और नौबत हाथापाई तक आ गई। ये मुर्शिदाबाद के लाल गोला इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पुलिस प्रदर्शनकारियों को दबोचती हुई नजर आई। हावड़ा मैदान के नजदीक एक सुपर मार्केट को बीजेपी समर्थक जबरन बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे तो टीएमसी समर्थक खुलवाने पर अड़े थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी समर्थक ने बंद के दौरान ट्रेनों को रोकने की कोशिश भी की। जब वे पटरी पर डट गए तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया। बीरभूम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, इस पर पुलिस से झड़प हो गई। कूच बिहार के मठभंगा में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बस पर पथराव किया और उसके शीशे तोड़ दिए। बीजेपी समर्थकों ने सियालदाह इलाके में भी ट्रेन रोकी। दक्षिण बारासात स्टेशन में ट्रेन रोकने के दौरान उनकी पुलिस से जिरह हो गई। बीजेपी ने मंगलवार को कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पश्चिम बंगाल बंद बुलाया था। पश्चिम बंगाल बंद के दौरान बीजेपी नेता की कार पर भीषण हमला, फायरिंग में दो लोग घायल हुए हैं जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले पथराव, फिर पहली गोली, फिर दूसरी गोली, फिर से पथराव। ये सनसनीखेज अटैक हुआ बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में। कुछ उपद्रवियों ने भाटपारा में बीजेपी के लोकल लीडर प्रियांकू पांडे की कार पर हमला किया। ये पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। ये वारदात उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता प्रियांकू पांडे अपनी पार्टी के नेता अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से उनकी कार रुक गई, तभी हमला हो गया। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का इल्जाम है कि उनकी पार्टी के नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई। प्रियांकू पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और एसीपी के निगरानी में सारा घटना घटा। इस वारदात में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी के शीशे पर बुलेट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। उपद्रवियों के पथराव से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बीजेपी नेता की कार पर पथराव और फायरिंग करने वाले कौन थे इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोबाइल वीडियो से उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में घिरी ममता बनर्जी की पार्टी अब प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से ही देगी। आने वाली 31 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। ऐसे दिन पर जबकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद रखा, कई जगह बंद का असर भी देखने को मिला। कई बीजेपी नेता हिरासत में लिए गए। उसी दिन पर ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से देने का ऐलान कर दिया। 31 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस हर ब्लॉक में रैली करेगी। 1 सितंबर को नए कानून के लिए ब्लॉक स्तर पर धरना होगा। टीएमसी की स्टूडेंट विंग तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। मोदी बाबू अपनार पार्टी के दिए आगुन लगाछेन, मने राखबेन बांगलाय जदि आगुन लागान आसामो थेमे थाकबे ना, नर्थ ईस्टो थेमे थाकबे ना, उत्तर प्रदेशो थेमे थाकबे ना, बिहारो थेमे थाकबे ना, झारखण्ड थेमे थाकबे ना, उड़ीसा थेमे थाकबे ना, और दिल्लीओ थेमे थाकबे ना, आपनार चेयारटा आमरा टलमलो करे देबो। एक दिन पहले कोलकाता में छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने बंद रखा तो जूनियर डॉक्टर्स ने आज सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बीजेपी के बंगाल बंद पर रोक लगाने के लिए एक याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी लगाई तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही साथ PIL दाखिल करने से भी इस याचिकाकर्ता पर रोक लगा दी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मुख्य आरोपी के करीबी का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। CBI ने आज कोलकाता पुलिस के SI अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। वारदात की रात आरोपी संजय राय को शरण देने वाला ASI अनूप दत्ता क्या कुछ छुपा रहा है, यही जानने के लिए CBI ने अनूप दत्ता का आज पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। इस सनसनीखेज वारदात में ASI अनूप दत्ता एक अहम कड़ी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वारदात की रात आरोपी संजय राय ने ASI अनूप दत्ता को फोन किया था। यही नहीं, लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद आरोपी संजय राय ASI अनूप दत्ता के बैरक में आराम करने गया था। ASI अनूप दत्ता की वजह से ही आरोपी संजय राय पुलिस की बाइक इस्तेमाल करता था, इसलिए अनूप दत्ता से सच उगलवाना CBI के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया। कोलकाता CBI ऑफिस में ये पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली से आई विशेष टीम ने करवाया। CBI को शक है कि ASI अनूप दत्ता बड़ा राजदार है और कुछ छिपा रहा है।
आज सीबीआई ने आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। संदीप घोष से 12वें दिन पूछताछ हुई है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के 19 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, इस घटना को लेकर निराश और भयभीत हूँ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, उस घटना से मैं निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। निर्भया केस के 12 साल बाद भी अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज ने भुला दिया। समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता वाले केस पर राष्ट्रपति की तरफ से बयान आना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम राष्ट्रपति का आदर करते हैं, लेकिन उन्नाव, हाथरस, बिल्किस और मणिपुर की घटनाओं पर उन्हें क्यों पीड़ा नहीं हुई? उन्हें उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अपराध क्यों नहीं दिखे? साक्षी मलिक जैसी लड़कियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वह चुप क्यों रही? क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना कठिन है? ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में लगातार ममता सरकार निशाने पर है। हालांकि ममता बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। ABP News, आपको रखे आगे।